aloe vera foundation, something I moisturized and 90% whitening foundation, which I was filming करना चाह रही थी इसका review लेकिन मैं कर नहीं सकी थी और आज मैं इसका review करने वाली हूँ. ये foundation मैं use कर चुकी हूँ 2-3 बार और मुझे इसका result बहुत ज़्यादा पसंद है. Especially summer के लिए कोई ऐसी foundation होनी चाहिए जो lightweight हो और बहुत easy to blend हो और cakey ना लगे face पे, तो ये foundation बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है. अब करेंगे हम इसके पैकेजिंग की बात. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है. तो फाउंडेशन के बैक पे हमें मिलेंगी इसकी डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन के इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है और कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं. ये सब आपको इस फाउंडेशन की पैकेजिंग पर अवेलेबल होगा और इसके ऊपर आप लोगों को ये भी मेंशन होगा कि ये कौन सा शेड है. सो अब बात करते हैं फाउंडेशन की. तो ये जो फाउंडेशन है ये ट्यूब में आती है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है एंड ऑल्सो इट्स वेरी हैंडी, ईजीली आप लोग इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. आप करते हैं प्राइस की बात, तो ये मैंने ली है आई थिंक 600-700 फ्रॉम देयर वेबसाइट, फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की ये है कि इसको हम लोग डेली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग लेडी इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं फॉर डेली बेसिस. बहुत ही लाइट कवरेज है और क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगती आपके फेस में. तो जो फाउंडेशन है ये आपको मिलेगी आई गेस 4 शेड्स में सिर्फ, जो कि आई थिंक इसको और शेड रेंज में होना चाहिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें हर डिफरेंट स्किन टोन के लोग. और मेरा जो शेड है दैट इज़ 03 एंड ये वाली जो फाउंडेशन है ये सारी की सारी वाइट कास्ट में होती हैं. तो मेरी जो फाउंडेशन है ये हो सकता है कि मेरी स्किन से थोड़ी सी लाइट हो बट हम उसको एडजस्ट करेंगे विद द ब्रॉन्जर एंड कॉन्टूर. टॉकिंग अबाउट इट्स कवरेज, तो ये मीडियम कवरेज की फाउंडेशन है. मुझे पर्सनली लाइट और मीडियम कवरेज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हैवी कवरेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसी फाउंडेशन बेस्ट रहती है समर्स के लिए. सो अब मैं इस फाउंडेशन को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लगती है स्किन पे, थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को. लेकिन अगर आपको ग्लो पसंद नहीं है तो आप इसको पाउडर से सेट कर सकते हैं. और ये जो फाउंडेशन है ये 3-4 आवर्स आराम से आपकी स्किन पे रहेगी और कहीं से भी केकी नहीं लगेगी. अभी मैं इस फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी, एक साइड को मैं करूँगी ब्रश से अप्लाई, दूसरी को स्पंज से. ये देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लगती है. रेगुलर बेसिस पे आई लाइक टू यूज़ ब्रश क्योंकि उससे जल्दी जल्दी से फाउंडेशन अप्लाई हो जाती है. बट मैं आप लोगों को दोनों साइड्स पे अप्लाई करके दिखाऊँगी, एक पे ब्रश एक पे स्पंज, के कौन सी ज़्यादा अच्छी तरीके से लग रही है. रेगुलर बेसिस पे मैं इस फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं ब्रश से अप्लाई करती हूँ. इससे ये होता है कि आपकी फाउंडेशन जल्दी जल्दी लग जाती है. बट इफ़ यू आर नॉट इन अ हरी तो आप उसको स्पंज से अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग माई फेवरेट सीरम, दिस इज़ ग्रीन टी वाटर सेंस नाउडेज. मुझे ये सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे ताकि मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाए अच्छे तरीके से. लगाने के बाद मैं अपनी स्किन को 5 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी ताकि मेरी स्किन अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाए. इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन. ओके सो 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये फाउंडेशन और मैं इसके लूँगी थोड़ा सा, इसको मैं लूँगी अपने हाथ पे सिर्फ इतना सा और अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ ब्रश से. Thank you.
as you can see the shine on my face और ये सब इस foundation की वजह से है क्योंकि it gives a dewy finish. मैंने इसको brush से apply कर लिया है, अब दूसरे side में हम sponge से apply करेंगे ये देखने के लिए कि कौन सी ज़्यादा coverage देता है. I will be needing more as जो sponge होता है वो आपकी foundation को absorb कर लेता है और brush ऐसा नहीं करता. This is the reason मुझे brush ज़्यादा पसंद है. मैं थोड़ी सी quantity और ले रही हूँ, सिर्फ एक पम, और इसको मैं दोबारा apply करूँगी अपने face पे. See my foundation is done. मुझे brush की side बहुत अच्छी लगी. पहली बात ये कि जो brush है वो foundation को ज़्यादा absorb नहीं करता और full coverage देने की कोशिश करता है, जबकि जो sponge होता है उससे बहुत natural coverage आती है, क्योंकि जो sponge होता है या beauty blender होता है ये ज़्यादातर आपकी foundation को absorb कर लेता है. जैसा आप लोगों ने देखा मुझे जो sponge से मैंने apply की उसमें मुझे ज़्यादा foundation की ज़रूरत पड़ी और brush से बिल्कुल streaks भी नहीं हुए foundation पे और बहुत अच्छी लग रही थी foundation. तो I suggest कि अगर आप ये foundation use कर रहे हैं तो आप brush से apply करें foundation को ज़्यादा से ज़्यादा coverage के लिए. And you can see कि जो coverage है this is not full, this is medium, which I really like and I also like the glowy effect. आपका face बहुत glow लगता है इस foundation से. So now I am going to do my rest of the makeup and then I will be right back. So I am back with my makeup on. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर concealer, brush, bronzer क्या-क्या apply नहीं किया और मेरी foundation और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है. So personally ये foundation मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. अगर आप भी ऐसे foundation ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत light coverage हो और समर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लाइट हो और बहुत अच्छी है कि ड्यूई इफेक्ट दे एंड बजट फ्रेंडली हो, तो गो फॉर दिस फाउंडेशन एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस फाउंडेशन इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.